का चेयरमैन भागने लगे मराठी मानुषों पर ये आरोप। अरे मैं आ रहा हूँ ना, मैं अगर अगर देशमुख जी, अरे मैं मराठी मानुष, अगर मराठू मानुष बदलापुर में रेप करेगा तो उसको भी आप बचाएंगे क्या? ये इमोशनल कार्ड खेलना बंद कीजिए। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। नहीं, ये महाराष्ट्र का अपमान है। अगर अंजना जी, अगर शर्म है, कुछ शर्म आया है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि बहस का स्तर यहाँ पहुँच गया है कि अब इस बहस को आगे ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं आप लोगों से फिर कह रही हूँ, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दो महीने की सरकार, दो महीने में चार बिल वापस हो गए और आप देखिए मोदी साहब का ग्राफ बढ़ रहा है। हो गई तसल्ली, मेरी इज्जत का फालूदा करवा के तसल्ली हो गई? 1.5 लाख वोट से हारते हारते बचे हैं बनारस में, लेकिन 52% लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यशवंत देशमुख साहब शायद टोटल भी नहीं कर पाए तमाम परसेंटेजेस का, खराब काम, अच्छा काम, बुरा काम, कहीं 68 आ रहा है, कहीं 72 आ रहा है, कम से कम टोटल तो 100 कर लेते हैं। सही बात है, उनकी सीटों का फायदा हो रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी लोकप्रियता राहुल गांधी से डबल से भी ज्यादा है। ये लड़की का स्क्रू ढीला हो गया है, वो भी तीसरी बार सरकार में आने के बावजूद। ये मुझे लगता है कि ये सही बात है कि आप लोग गेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लोकप्रियता के पैमाने पर नेतृत्व क्षमता के मामले में नरेंद्र मोदी हर बार की तरह बाजी मार ले जा रहे हैं। 2014 के बाद से भारत भले चांद पर पहुंच गया, मगर यहां का मीडिया गटर में पहुंच गया। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लगता है कि देशमुख जैसे हमारे जो साथी हैं, और ये एक नया पैटर्न मोदी नामा पढ़ने का है, इस तरह के सर्वेज लाकर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हलवा है हमारा। आलोक जी ये मोदी नामा पढ़ने का नया स्टाइल। इसमें क्लैरिटी ला देते हैं, क्योंकि एक हिस्सा ऐसा भी था जिसने कहा कि हम कह नहीं सकते। हमने कह नहीं सकते का नंबर स्टेट्स में भी नहीं दिखाया है और इसमें भी नहीं दिखाया, उसकी वजह यह है। बाकी आप पूरा कर लीजिए। तो चूंकि आप इतना पर्सनल एक्यूजेशन उन पर लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनको भी मौका मिलना चाहिए उसका जवाब देने का। लेकिन आप दीदी कोई आपत्तिजनक नहीं। वापस आता हूँ, जिन लोगों ने इंदिरा जी की डेथ के बाद जिनका जन्म हुआ, वो कितनी परसेंटेज है देश के अंदर? 1984 के बाद आज यंगेस्ट नेशन है। आज कितने लोग हैं? 145 करोड़ लोगों में 1,36,000 का डाटा लेकर आप पूरी तरह से लोगों को भ्रमित कर रहे हैं आज तक चैनल के माध्यम से। देशमुख साहब, ये ठीक नहीं है। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। चालाकी को भी उजागर ना करें हम यहाँ पर बैठकर, इस तरह के शो दिखाकर केवल और केवल यह नहीं सकते। आपने सुनी मेरी बात? करेला खाकर पैदा हुई थी साली। कह नहीं सकते वाले 28% थे हर कैटेगरी में। कह नहीं सकते वाले जिन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम इस पर जवाब नहीं देना चाहते। अंजना जी, अरे आप डाउट पूछे उसका जवाब भी ना दे। अंजना जी, अंजना जी यही तो बाजी करी आंकड़ों। अंजना जी यही आंकड़ों की बाजी करी। केवल 24 भगवान के नाम लिया तो बाहर जाता दिखता मेरा। इज्जत की वार्ड लगा डाली इसने। देखिए मुझे लगता है कि जिस सरकार ने दो महीने में चार यू टर्न लिए हो, मैं तो धन्यवाद करूंगा यशवंत देशमुख जी का। अभी भी 400 पार का नारा क्यों नहीं लगा रहे? इनको लगाना चाहिए। हरियाणा में बैठा हूं मैं, हरियाणा में इन्हीं के सी वोटर ने, इन्हीं ने टीवी पर बैठकर कहा था कि हरियाणा में बीजेपी की 83 सीट आ रही, 90 में से आई थी 40। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और इस बार तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया 400 पार का नारा लगा रहा था बीजेपी के साथ साथ। क्या 400 पार हो गया था? ये हत्याई हुई सरकार है, इलेक्शन कमीशन ईडी सीबीआई के द्वारा हत्याई हुई सरकार है। ये बजट में आया तो बजट में भी दो राज्यों को सब कुछ दे दिया, लेकिन उसके बावजूद मोदी नामा पढ़ने से ये तमाम जितने जो सेफोलॉजिस्ट अपने आप को कहते हैं वो पूरी तरह से चूक नहीं रहे। क्योंकि हरियाणा में, महाराष्ट्र में चुनाव है, मोदी जी की इज्जत तो बचानी पड़ेगी। इसके अलावा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल साइकोलॉजिकल आई वॉच है और पूरी तरह से लोगों को भ्रमित करने का एक शो है। आप इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। अब देखिए किस तरह से इन्होंने कहा, एक सवाल लिया कि बेस्ट पीएम कौन है, और अंजना जी आपने भी दोनों बाहें फैलाकर कह दिया। अरे भाई, जो व्यक्ति 1966 में चला बाहें फैला के क्या होता है सुनना, आज के प्रधानमंत्री से कर रहे हैं कुछ भी बोलते हैं आप। मैं फिर कह रहा हूँ कि आपने भी पूरा कहा कि भाई मोदी नामक, मैं फिर कहूंगा दोनों बाहें फैलाकर कहना एक मुहावरा है और उसमें गजब बेइज्जती है। आप मुझे बताइए, 145 करोड़ लोगों का आपने मूड भांप लिया केवल 1.25 लाख लोगों से बात करके, और मोदी जी की बल्ले बल्ले कर दी आपने। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह के शो चलाए जाते हैं। मुझे सख्त आपत्ति है कि भारतीय अच्छा लोकतंत्र और वो जली ना, तेरी भी जली ना। वोटर्स का अपमान है पूरी तरह से। ठीक है, आलोक जी अच्छा है। देखिए आपको चलाने का तमा कर जितना बोल सकते हैं आप बोलिए, और आपकी हर बात से आंखों पर। एक सेकंड सर, अब सुनिए ना सर, आपने बहुत बोलिया, आप लोग सब बोलिए, आप सुनिए मेरी बात। बहुत होगा, आवाज नीचे कीजिए। आलोक जी देखिए, आप तमाम बोली करके इस लड़ाई को रोक सकते हो यार, इतने शानदार विचार रखते हैं। आलोक जी
देखिए आप तमतमा कर बोलिए, आप गुस्सा कर बोलिए, आप प्रश्न कीजिए, अच्छी बात है आपके प्रश्न से राखों पर, लेकिन ऐसा नहीं है, आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, मैं बोल रही हूँ इस वक्त, अब आपको भी सुनना पड़ेगा क्योंकि आप एक तरफा एक व्यक्ति पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, वो अपने आप को डिफेंड करेंगे, लेकिन उसकी लुंगी में मिर्ची गायब लग रही है। सवाल यह है कि आज तक इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे आज नहीं कितने दशकों से चल रहा है, 22 साल हो गए हैं काउंट करते हुए, 2 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे तमाम उतार चढ़ाव इसमें आए हैं जिसमें जनता का मूड भापने के लिए एक कोशिश होती है। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, आपको सुनना पड़ेगा अभी, उसके बाद आप चिल्लाइएगा जितना जितना गाली गलौज करना हो, बाहें फैलाने की बात करनी हो कर। अरे सर आप डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। आप लोग एक सार्थक बहस करने को तैयार नहीं है, इससे पहले हरियाणा में जब दिख रहा था कि नंबर्स बीजेपी के खिलाफ है, तब आपके प्रवक्ता बड़ी खुश होकर बात कर रहे थे, ये तरीका ठीक नहीं है, आप कहीं अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अभी कहीं वोटिंग होने वाली है, हरियाणा में वोटिंग होने वाली है और वहां पर बीजेपी के खिलाफ पूरा मैंडेट दिख रहा है। चुप रे नॉनसेंस, कुछ बोलने जैसा ही नहीं। अरे 2 दशक से हो रहा है आलोक जी, मैं सुनूंगी आपकी बात, आप सुन लीजिए पहले, 2 दशक से ये हो रहा है, 2 दशक से चल रहा है, मर्यादित भाषा में रहकर आप इस पर टिप्पणी कीजिए, आपको इस पर बहस करनी है, आप कीजिए, अपने पॉइंट्स रखिए, आपको नंबर्स को दरकिनार करना है, ऐसा कुछ स्वीपिंग इसमें हो नहीं रहा है, कभी भी आज तक ने कोई भी ओपिनियन पोल वोटिंग के पहले नहीं किया है, हमेशा वोटिंग के बाद हम दिखाते हैं, ये हमारा 2 दशक से चला रहा इंडिया टुडे का सर्वे है, प्लीज ट्रीट इट लाइक दैट। अंजना जी बोलिए, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। आपने दिखाया कि कामकाज अच्छा या खराब है, आपने 72% का ब्रेकअप दिखा दिया, 72 में से 34% क्या है, 34% मोदी जी के खिलाफ है, और उसके बाद आपने 28% दिखाया ही नहीं कि वो पक्ष में है या विपक्ष में, मतलब मैं अगर 5 पॉइंट रख दूं एनालिसिस के 5 पॉइंट रखता हूं, आप अगर एसएमएस हो हमारे पॉइंट से तो आप जरूर बोलिए, आपकी आवाज से राखों पे आलोगी, मैं एक विश्लेषक की हैसियत से केवल 5 अपने एमओटीएन के पॉइंट रखना चाहूंगा ना आपसे, आपका गजब है भाई, आपका आलोगी वाह, ये आए हमदर्दी जता रहे हैं, मैं अपने 5 एनालिटिकल पॉइंट रख दूं जो इस एमओटीएन की फाइंडिंग में, आप मेरे पॉइंट रखने के बाद आप मुझ पे सवाल उठाएंगे ना, मेरे छोड़िए ना भाई, आप देशमुख जी, मैं बोलूं कि नहीं बोलूं, मुझे मत बोलूं कि नहीं बोलूं, मैं क्या है इरादा, कितना पैसा किस तरह से किए बोलने के लिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, अबे साले आपने सर्वे पर जितने प्रश्न उठा लेते उठा लिए हैं क्योंकि आपका सारा एनर्जी उसी में गया है भाई, अभी मदद है, अभी यशवंत देशमुख जी जो कह रहे हैं और जो आंकड़े चला रहे हैं वो पूरी तरह से अलग अलग चीजें, इनका कहना है बीजेपी परेशानी में, महंगाई बेरोजगारी चरम पर है, बीजेपी परेशानी में, क्या बात है, गुड शॉट, भावनात्मक मुद्दे और दिल के मुद्दे कहीं नहीं है, रोजमर्रा के मुद्दे ऊपर आ गए और उसके बावजूद बीजेपी की सीट बढ़ रही, 2 महीने में 4 मुद्दों पर यू टर्न लेकर भाग गई सरकार, अभी मैंने तमाम आंकड़े बताए, राहुल गांधी जी का ग्राफ गिर गया, वो लाखों वोटों से 2 जगह से जीत गए, यशस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और मोदी जी दर्जनों नॉमिनेशन का बोला ग्राफ गिर गया, बनारस का ग्राफ बढ़ा है आलोक जी, लेकिन उनका ग्राफ बढ़ा, आलोक जी, आलोक जी थोड़ा पानी पी के सुन तो लीजिए, हम जो आलोक जी 1.5% आपने भी, एक मिनट सुने आलोक जी, आज आप सोच कर आए हैं इसलिए आप नंबर्स ना देखना चाहते हैं ना उस पर जवाब देना चाहते हैं, आपको 6 बजे से शो देखना चाहिए था, तुम लोग मांडोली करके इस लड़ाई को रोक सकते हो यार, और अगर मार गाड़ ही करनी है तो मैं जरा साइड में हो जाता हूँ, आवाज नहीं क्योंकि मैं इतना नहीं चिल्ला सकती इनकी तरह, प्लीज आलोक जी, आई एम मेकिंग अ वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज डोंट मेक इट अ शाउटिंग मैच, प्लीज सर, प्लीज टॉक रिस्पॉन्सिबली, आराम से भी बात हो सकती है, चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने देखा है लाइव टीवी शोज पर लोगों को इस तरह चिल्लाते चिल्लाते उनकी क्या नौबत हुई है, प्लीज रिस्पेक्ट व्हाट आई एम सेइंग, हम करें आरती उतारें, आराम से भी बात कर सकते हैं सर, सड़क पर लोग कहते हैं कैसा चिल्ला चिल्ली करते हैं, आराम से बोलते हैं ना सर, प्यारी समझ गई, बाय बाय टाटा गुड बाय गया मैं।